नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ एम में। और आज मैं आप सभी के लिए एक नोटिफिकेशन लाया हूं, जो कि कार्यालय जिला युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी अल्मोड़ा द्वारा न्यूज़पेपर में 19 नवंबर 2018 को आया हुआ था। तो मैंने सोचा कि जिन लोगों को इस नोटिफिकेशन के बारे में पूरा पता नहीं है, उन लोगों को इस नोटिफिकेशन के बारे में पूरा पता चल जाए और अधिक से अधिक इसमें जो भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो है क्या इसमें, देखिए, प्रमुख सचिव महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखंड शासन के पत्र संख्या 1966 दिनांक 19 नवंबर 2017 के अनुपालन में जनपद के समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में अस्थायी रूप से एक एक डाटा एंट्री ऑपरेटर हेतु आवेदन पत्र दिनांक 10 दिसंबर 2018 के सायं 5 बजे तक पंजीकृत एवं स्वयं उपस्थित होकर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय विकास भवन अल्मोड़ा में जमा किया जाना है। ठीक है ना, यहाँ अल्मोड़ा में विकास भवन में इसका ऑफिस है, जिला युवा कल्याण अधिकारी प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी का। तो वहाँ पे आपको यह फॉर्म जमा करना है। मैं अभी फॉर्म का प्रारूप बता देता हूँ। पूरी मेरी इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर अंत तक ज़रूर देखें और इसमें मैं सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगा, कितना मानदेय देने वाले हैं ये लोग और इसका फॉर्म का प्रारूप क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी इसकी। ठीक है, और एक एक डाटा एंट्री ऑपरेटर इस जिले के जितने भी बाल विकास कार्यालय हैं उन सभी में रखे जाने हैं इन लोगों ने। देख लेते हैं आगे है क्या। देखिए, आवेदन प्राप्त करने की जो अंतिम तिथि, यानी कि जो फॉर्म वहाँ पर सबमिट करने की जो लास्ट डेट है, वो 10 दिसंबर 2018 को शाम 5 बजे तक वहाँ पहुँच जाना चाहिए, चाहे आप खुद जमा कराएं या पंजीकृत डाक यानी स्पीड पोस्ट से आप जमा करें। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो फॉर्म का प्रारूप है इसमें देखिए आवेदित पद का नाम, ये तो आपको कंप्यूटर पे टाइप करवाना पड़ेगा, ये जो भी फॉर्म का प्रारूप आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये तो आपको ऊपर जैसा है लिखा है वैसे ही लिखवाना पड़ेगा। आवेदन का नाम भर लीजिए, पिताजी का नाम, फिर जन्मतिथि, स्थायी पता, पत्र विहार का पूरा पता, मोबाइल नंबर सहित ईमेल। ठीक है ना, और यहाँ पर अपनी फ़ोटो लगानी पड़ेगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे सक्सेस अर्हता, यहाँ पे सारी डिटेल भरनी है। यहाँ पे आपने कब किया, कितने प्रतिशत, क्या श्रेणी रही, ये पूरा भरना है। उसके बाद देखिए क्या है कि जो अब ये प्रारूप बना लेंगे उसके बाद आपको इस प्रारूप में क्या क्या डॉक्यूमेंट संलग्न करना है, यानी कि फ़ोटो स्टेट और फोटो स्टेट भी सेल्फ अटेस्टेड। यानी कि आपको एक चीज़ और बता दूँ आपकी भलाई के लिए कि आप कभी भी किसी भी चीज़ में अपने डॉक्यूमेंट की अपनी डॉक्यूमेंट फोटोस्टेट डॉक्यूमेंट लगाते हैं किसी भी आवेदित पद के लिए या कहीं रिज्यूम के लिए, तो वहाँ पर ज़रूर लगे सेल्फ अटेस्टेड करके फॉर दिस पोस्ट, ताकि उस फोटोस्टेट का कोई गलत इस्तेमाल ना कर सके। ठीक है, तो देखिए इसमें जो लगाना है हमें फोटोस्टेट किस किस की लगानी है, एक स्थायी निवास प्रमाण पत्र की लगानी है, दूसरा शैक्षिक योग्यता की लगानी है, तीसरा है आपको कंप्यूटर प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र जो आपने 1 साल का किया होगा उसकी प्रमाण पत्र की छाया प्रति लगानी है यहाँ पे, और जो चौथा है सिलेक्शन प्रोसेस, यहाँ पे कोई रिटर्न एग्जाम नहीं होने वाला है, कोई इंटरव्यू नहीं होने वाला है आप लोगों का। यहाँ पे आप लोगों से हिंदी टाइपिंग करवाई जाएगी जो कि NICL अल्मोड़ा में आयोजित की जाएगी। अगर आप इसको वहाँ पे फॉर्म जमा कराएंगे तो उसके बाद शायद आपको फ़ोन के माध्यम से, हो सकता है आपको डाक के माध्यम से ये सूचित किया जाएगी टंकण परीक्षा कब और कहाँ होगी, वैसे कहाँ NICL अल्मोड़ा में होने वाली है लेकिन दिनांक वो लोग खुद बता देंगे। और उसके बाद नीचे देखिए आवेदन का नाम और हस्ताक्षर यहाँ पर करना है, डेट डाल देनी है। उसके बाद आपको एक नीचे घोषणा पत्र भी लगाना है, इसी के नीचे ऐसी टाइप करना है जैसे ये पूरा A4 साइज़ में आप टाइप करवा लीजिएगा, और बाकी नीचे एक घोषणा पत्र भी लिख दीजिए, यहाँ पर अपना नाम, पिताश्री का नाम, एक घोषणा करता है कि उपरोक्त विवरण मेरे द्वारा ही भरा गया है जो कि सही एवं पूर्णतः सत्य है, यदि उपरोक्त सूचनाएं गलत असत्य पाई जाती है तो ऐसी स्थिति में मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाए तथा मेरे द्वारा विभाग के विरुद्ध कोई भी न्यायिक विवाद दर्ज नहीं किया जाएगा, और आवेदन का नाम और हस्ताक्षर फिर से यहाँ पर करना है। ठीक है ना, ये तो था दोस्तों आपका फॉर्म का प्रारूप क्या है, क्या क्या भरना है और इसके साथ क्या क्या चीज़ें संलग्न करवानी है। अब बात करते हैं इसके मानदेय की। तो इसके बाद ये जो इससे पहले फॉर्म का प्रारूप आया था वो आपका 19 अक्टूबर के
न्यूज़पेपर में आया था। उसके बाद देखिए, इन्होंने 20 अक्टूबर को न्यूज़पेपर में एक संशोधन डाला था इस विज्ञप्ति के लिए। इसमें लिखा है कि देखिए, दिनांक 20/11/18 को अमर उजाला एवं हिंदुस्तान में प्रकाशित विज्ञप्ति में शैक्षिक योग्यता, इंटरमीडिएट उत्तीर्ण एवं एमएस ऑफिस ऑनलाइन कार्य करने का ज्ञान तथा वर्तमान में नियत मानदेय ₹8,000 प्रति माह पढ़ा जाएगा। यानी कि आपको इंटरमीडिएट होना है, उसके लिए जो लास्ट शैक्षिक योग्यता है वो इंटरमीडिएट ही है। यानी कि जो भी इंटरमीडिएट हैं, 12th पास हैं, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जिसके पास हायर एजुकेशन है वो अपनी एजुकेशन फुलफिल कर सकता है, ठीक है। और बाकी इसमें एमएस वर्ड का ज्ञान होना चाहिए आपको, ऑनलाइन कार्य करने का ज्ञान होना चाहिए थोड़ा बहुत वर्तमान में, और जो इसकी जो नियत मानदेय दिया जाएगा वो बोला ₹8,000 प्रतिमाह दिया जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से कहीं गलत है नहीं, क्योंकि घर बैठने से अच्छा है कहीं ना कहीं कुछ किया जाए और अपनी पढ़ाई जारी रखी जाए। तो देखिए, आप बात करते हैं कि विकास भवन है कहाँ। विकास भवन देखिए अल्मोड़ा से 5 से 6 किलोमीटर के बीच में स्थित है, ठीक है ना। अल्मोड़ा में जो लोग अल्मोड़ा के नहीं हैं, अगर उनको विकास भवन जाना है तो वो अल्मोड़ा आके किसी भी टैक्सी से जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ के लिए टैक्सियाँ लगते रहती हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई तो मेरी इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आने वाले जितनी भी पोस्टों को नोटिफिकेशन है, पढ़ाई से संबंधित CCC सभी के संबंधित स्टडी विद एम वीडियोस बनाता है, और उन सभी की नोटिफिकेशन आप सभी को जल्द से जल्द मिलते रहें। इस सब्सक्राइब के बगल में एक घंटे का साइन है, उसको भी दबा दीजिए, ताकि मेरी सभी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को जल्द से जल्द मिलते रहे। थैंक यू।